वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं विदाउट टिकट ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम काठमांडू विजिट कर रहे हैं। तो काठमांडू में शुरुआत कैसे करें वो बता देता हूँ। तो अगर आप इंडिया के कहीं से भी किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो इंडिया से जो लगने वाले बॉर्डर्स हैं, जैसे कुछ तीन चार फेमस बॉर्डर हैं, जैसे सनौली बॉर्डर और रक्सौल बॉर्डर और एक दो बॉर्डर हैं, तो वहाँ से वहाँ तक आप कैसे भी आ जाओ वो बहुत ईजी होता है। बाय ट्रेन भी आप आ सकते हो और बाय बस भी आप आ सकते हो। और जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, एंट्री के लिए कोई इशू नहीं है, कोई वीज़ा और किसी भी चीज़ की परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एंट्री आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट वहाँ से काठमांडू तक कैसे पहुँचे, तो वहाँ से काठमांडू आप वहाँ पे ही आपको कैब मिल जाती है और बसेस बहुत सारी चलती हैं। अब किस बॉर्डर से आप आ रहे हैं उस हिसाब से जो फेयर है वो वैरी करता है, तो इस चीज़ का आप देख लेंगे ज़रा। 1200, 1400, 800 ऐसे 500 रुपये भी किसी किसी बॉर्डर से वो काठमांडू तक ले आते हैं। काठमांडू आने जाने का रास्ता जो है वो मैं कह सकता हूँ कि मिक्स्ड रास्ता है, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप सीधे काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हो। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है जो इंसान रश करता है कि भाई होटल कहाँ पे लें और कैसे लें। तो देखो, अगर आप टूरिस्ट जगह को अगर देखना चाहते हो या टूरिस्ट लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, तो आप थामेल डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हो, जो कि वहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत बढ़िया है। और अगर आप एक्चुअल नेपाल को देखना चाहते हो और जो बेसिक नेपाल है उसको आप देखना चाहते हो, तो आप ओल्ड पाटन एक जगह है, वहाँ पर होटल कर लो। और वहाँ से इतना मतलब क्लासी जो नेपाल है जिसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब शोर शराबे से दूर है, तो वहाँ पे आप, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ओल्ड पाटन में ले लो। तो सबसे पहले सुबह सुबह आप उठिए और फटाफट से आ जाइए दरबार स्क्वायर। और यहाँ पे ऐसे तो अगर सुबह सुबह आओगे तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है, और एज ए इंडियन आपको लेना पड़ेगा 500 रुपये का टिकट। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आओ और ज़्यादा शोर शराबा ना करते, चुपचाप से घूम कर निकल जाओ जैसा हमने किया। बट अगर आप अगर वो देख लेंगे, नज़र आ जाएंगे, तो 500 का टिकट है तो ले लेना। काफ़ी ओल्ड जो बिल्डिंग्स हैं दरबार स्क्वायर में वो आप देख पाओगे इसमें।
सबसे पहले अगर आप ओल्ड पटन रुके हो तो पटन का दरबार स्क्वायर आप आ सकते हो। पटन का दरबार स्क्वायर वहाँ से ओल्ड पटन से 10 मिनट का वॉकिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वहाँ नहीं रुक रहे हो तो दरबार स्क्वायर, यहाँ पे बेसिकली 3-4 जगह है। एक भक्तपुर का भी दरबार स्क्वायर है, एक ओल्ड पटन का भी दरबार स्क्वायर है, और एक जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये भी एक दरबार स्क्वायर है। तो किसी भी एक दरबार स्क्वायर के पास आप चले जाओ, वो काफ़ी सही रहेगा। हाँ, भक्तपुर वाला दरबार स्क्वायर और ओल्ड पटन का दरबार स्क्वायर वो काफ़ी फेमस है। तो आप वहाँ, मैं चाहूँगा कि उन दोनों में से कोई एक जगह तो ज़रूर विजिट करें। तो ये पूरा टोटल जो है वो 1 से 1.5 घंटे में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसके बाद आप तुरंत निकल जाओ पशुपतिनाथ टेम्पल के। सुबह सुबह दरबार स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद 8-9 बजे तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहाँ से निकल के सीधा आ जाइए पशुपतिनाथ। अब कौन से दरबार स्क्वायर में आप गए हैं ये डिपेंड करता है। डिस्टेंस तो 8-10 किलोमीटर दिखाएगा या 4-5 किलोमीटर दिखाएगा, बट क्योंकि ये मेन कैपिटल है काठमांडू का, तो यहाँ पे 4-5 किलोमीटर भी कवर करने में कभी कभी 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे। अब पशुपतिनाथ हम आगे हैं टेम्पल, और इसको अच्छे से देखते हैं, और इसके बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आपको बताता हूँ। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है मैं ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ। तो देख पा रहे हैं ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, और इसके अंदर मोबाइल और फोटोज़ और कैमरा ये सब अलाउड नहीं है। जैसे ही अगर आप दिख जाएंगे लेते हुए अंदर में, तो आपका फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, और इसको पूरा कंप्लीट दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में एकदम मस्त दर्शन हो जाएंगे। अब साइड से भी एक लूप होल बता देता हूँ। देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये काफ़ी लंबी लाइन है, ठीक। तो आपको क्या करना है, वहाँ से ऐसे घुसना है, और ये सीधे वाले यहाँ वाले लाइन में जो है, लाइन में नहीं मतलब ऐसे जो लोग जा रहे हैं ना, ये बिना लाइन के लोग हैं। तो आप वहाँ से सीधे चले जाओ, और सिर्फ कितना डिस्टेंस होगा, जैसे वहाँ पे मान लो वो ये वाली लाइन रहेगी, और उसके ठीक 1 मीटर पीछे वो खाली वाली लाइन जो अभी वहाँ से जा रही है, तो फटाफट से दर्शन हो जाएंगे। और मंदिर अंदर से काफ़ी सुंदर है, आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा कि कितना बढ़िया उस समय यहाँ के लोगों का आर्किटेक्चर वाला स्किल था, और इतना बढ़िया से एकदम बारीकी से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और मंदिर में मूर्ति भी देखा हमने पशुपतिनाथ जी की, तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए आराम से होटल में, और कपड़े वपड़े चेंज करके, और वापस से आ गए हैं
घूमने निकल गए हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ये आप देख रहे हो, ये एक गार्डन ऑफ ड्रीम्स है। इसके अंदर दिखाता हूँ, ये ठीक सामने है सार्क के, ठीक है। इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसके ठीक सामने है। और आप गूगल मैप पे भी इसको डालोगे तो ईजिली मिल जाएगा। चलो अंदर दिखाता हूँ। इसमें एंट्री जैसे ही आप घुसोगे ना, वैसे ही सामने काउंटर है, टिकट काउंटर, तो वहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। टिकट दिखा पे, तो टिकट ऐसा टिकट मिलेगा और ये 400 रुपीज़ का टिकट है, 400 IC नहीं है, सॉरी 400 NC, जो कि लगभग हो जाएगा 1.6 से डिवाइड करने में कितना, 270-280 अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो। तो स्पार्क में ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं कि 400 रुपये देने हैं। हाँ, बट अगर सीन दिखाऊं तो भाई कुछ ऐसा सीन है, मतलब हरियाली है, लोग कम हैं, एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है, आ जाके आप शांति से बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो, लोग पी भी रहे हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ कुछ फाउंटेन हैं, शांति है, बेसिकली लोग चिल कर रहे हैं। तो गाइज़, काठमांडू में आप 2-3 दिन भी आप आराम से घूम सकते हो। हमें तो जो मेन जगह थी जो हमें घूमना था, हमने बता दिया कैसे घूमना, ये भी बता दिया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ी से ही आओ, या फिर यहाँ पे आके टैक्सी बुक कर लो जो पूरा साइट सीन करवाती हो 1-2 दिन का, तो वो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग मिल जाएगा सही रेट। और खाना पीना नॉर्मल ही है जैसा होता है, यहाँ की नेपाली थाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज़, ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, और आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बताने की। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।